नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। लांजी, बढ़ते कोरोना संक्रमण काल और लॉकडाउन के चलते जिला कलेक्टर दीपक आर्य ने सप्ताह भर के भीतर लांजी का दूसरी बार दौरा कर सिविल अस्पताल में बनाए गए कोविड 19 का निरीक्षण कर यहां शासकीय और अशासकीय चिकित्सकों एवं स्टाफ की बैठक लेकर वर्तमान समय में चिकित्सकों सेवाओं को लेकर समुचित व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा उपस्थित चिकित्सकों ने उनके सुझाव भी मांगे। इसके अलावा समन्वय बनाकर निजी चिकित्सकों से इस आपदा की घड़ी में सेवाएं देने की भी अपील की गई। उक्त बैठक के दौरान अभिषेक तिवारी, पुलिस अधीक्षक रमेश भटेरे, जिला अध्यक्ष भाजपा एसडीएम रविंद्र परमार, एसडीओपी दुर्गेश आर्मो, आरपी मार्को, तहसीलदार सारिका परस्ते, नायब तहसीलदार अरुण मर्सकोले, थाना प्रभारी देवेंद्र मर्सकोले, सीएमओ डॉक्टर प्रदीप गेडाम, बीओमओ आदि जन मौजूद थे। मैंने आज जिला कलेक्टर से आग्रह किया था कि कलेक्टर साहब भी एक बार आ जाएं, यहाँ व्यवस्थाओं को देखें, डॉक्टरों से चर्चा भी करें। जनप्रतिनिधि के नाते जनता की तरफ से सरकार की, क्योंकि मेरी पार्टी की सरकार है, तो हमारी सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं हो सकती है, क्या वो व्यवस्थाएं अस्पताल में सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं, इस हेतु तो मैं निरंतर सतत अस्पताल में नज़र बनाए रखा हुआ हूँ। मेरी भरसक कोशिश है, भरसक प्रयास है कि हम जितना अच्छा हो सकता है वो हम करने का प्रयास करें। आज कलेक्टर साहब से मैंने चर्चा किया था, कलेक्टर साहब ने भी आज यहाँ पर अपना आए, उन्होंने भी डॉक्टर से चर्चा की, मैंने भी डॉक्टर से चर्चा किया, हमने सभी डॉक्टर साथियों से आग्रह किया कि आज के समय में हर पीड़ित व्यक्ति डॉक्टर साथियों की तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है और वर्तमान समय में वो उनके लिए भगवान है। और ऐसी परिस्थिति में हमारे जितने भी डॉक्टर साथी हैं उनसे हमने निवेदन किया है, आग्रह किया है कि जितना अच्छा से अच्छा अपना परफॉर्मेंस हो सकता है वो देने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे पास MBBS की कमी है और इस कारण से BAMS और BHMS के डॉक्टरों के माध्यम से हम उनकी सेवाएं लेकर के इस कोविड अस्पताल को निरंतर सुचारू रूप से चलायमान रखना चाहते हैं, इसलिए हमने उनसे आग्रह किया है। और निश्चित रूप से हमारे जो डॉक्टर साथी है उन सब ने भी कमिटमेंट किया है कि उनसे जो बेहतर से बेहतर बन सकेगा वो देने का प्रयास करेंगे। हम सब मिलकर के, सब लोगों के सकारात्मक सुझाव के साथ इस कोरोना जैसी बीमारी पे मेरा विश्वास है कि हम विजय पाएंगे और निश्चित रूप से कोरोना को भगाएंगे। धन्यवाद। ऐसा जैसे कि आज आपने लांजी कोविड सेंटर का निरीक्षण भी किया और एक आज डेथ भी हुई है, तो क्या आगामी दिशा निर्देश हुए सर डॉक्टरों के? देखिए, ये बेसिकली डॉक्टरों को मोटिवेट करने के लिए था कि डॉक्टर हमारे काम कर रहे हैं। कई बार डॉक्टर्स के मन में ये घबराहट होती है कि ये चूँकि हायर सेंटर पर अभी तक डील की जाती थी चीज़ें और उसको लोअर सेंटर पर डील करना पड़ रहा है, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा हैं और जितना हम लोग डिले करते हैं उतनी संभावना मोर्टेलिटी की बढ़ जाती है। तो एक इसका जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार ट्रीट करने की ट्रेनिंग सभी को दी गई है और सभी लोग काम करें, मेहनत से काम करें और कोशिश करें कि मरीज़ को यहीं ठीक। सर, क्या कुछ और डॉक्टरों की भी यहाँ पे वृद्धि अभी हो रही है मतलब कोविड को देखते हैं? हाँ, डॉक्टर जितने मिलते हैं सभी को बुला लिया जाता है। हमारे जो प्राइवेट सेक्टर में जो मैडम कार्य कर रही हैं उनसे भी निवेदन हम लोगों ने किया है कि वो भी आकर के ज्वाइन करें और या फिर अपनी सेवाएं दें। और इसके अलावा भी अन्य कोई डॉक्टर यदि लगता है कि आपको हैं और जो सेवाएं देना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, उनको हम लोग ज्वाइन करवाएंगे। और बाकायदा अभी जैसे 50 बिस्तर का जो है तो अगर भी बढ़ रहा है सर, इसमें बिस्तरों की जो संख्या है अभी ये प्लान है इसमें कि लगभग 30 से 40 बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड रहेंगे और बाकी CCC टाइप के बेड रहेंगे जिसमें कि पेशेंट जो कि माइल्ड पोजीशन में है वो आ जाएं। और मैं अनुरोध आपके माध्यम से, अपील सभी से ये करना चाहूँगा कि पेशेंट जितना जल्दी आएंगे उतना उनके लिए अच्छा रहेगा। सर, और नगर में टेस्ट बढ़ाने के संबंध में क्या है? टेस्ट बढ़ाने के संबंध में देखिए, जो शासन से क्या टेस्ट किट है उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। प्राइवेट यदि कोई करना चाहते हैं तो प्राइवेट लैब की बात हुई है, प्राइवेट में यदि कोई करना चाहे तो स्वागत है और अपना कर सकते हैं। लांजी से खबर समय जगत के लिए रूपेश रावती की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।